हेलो फ्रेंड, वेलकम करता हूँ आपको एक नए वीडियो में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इक्वलाइजर्स ऐप फॉर एंड्रॉयड के बारे में। फ्रेंड्स, टॉप 5 इक्वलाइजर्स ऐप के ऊपर मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। पहली जो वीडियो बनाई है मैंने वो है इक्वलाइजर्स विद 1 मिलियन और लेस डाउनलोड्स, और दूसरी जो वीडियो है वो है इक्वलाइजर्स विद ओवर 10 मिलियन डाउनलोड्स। फ्रेंड्स, नंबर 5 पे जो इक्वलाइजर है वो है फ्लैट इक्वलाइजर। इसका लोगो कुछ इस टाइप का है और इसका जो इंटरफेस है वो सिंपल सा इंटरफेस है, जहाँ पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया गया है, उसके बाद बेस बूस्ट का ऑप्शन दिया गया है, और दूसरा लाउडनेस, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है वर्चुअलाइजर का। इक्वलाइजर के साथ कुछ प्रीसेट्स दी गई है, आप जो प्रीसेट्स दी गई है वो नए प्रीसेट्स है। जो टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट्स दी गई है, इधर आप क्लिक करके अपना जो प्रीसेट आपने सेव किया वो लोड कर सकते हैं। और ये जो ऐप है ये एड्स के साथ आता है, यानी कि ये फ्री ऐप नहीं है। आपको एड्स रिमूव करने के लिए इसका प्रीमियम वर्जन खरीदना पड़ेगा। और इसके साथ सिर्फ 2 थीम्स दी गई है, एक है लाइट थीम और दूसरी जो थीम है वो है डार्क थीम। इक्वलाइजर ऐप यूज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने म्यूजिक प्लेयर ओपन करना होगा, उसके बाद जाके सॉन्ग प्ले कर दे। सॉन्ग प्ले करने के बाद आपको जो इक्वलाइजर ऐप है उसे ओपन कर दे। करने के बाद जो बटन दिया गया है इसे ऑन करने पर जो साउंड इफेक्ट है वो अप्लाई होना शुरू होगा। इस ऐप के बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको हेडफोन्स, स्पीकर्स या सबवूफर्स यूज करने पड़ेंगे, और ये मोबाइल के स्पीकर के साथ कोई खास रिजल्ट नहीं देता। इस ऐप का जो साइज है वो है 2.1 MB, और इसके जो गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड्स है वो है 1 लाख+ डाउनलोड्स, और इसकी जो रेटिंग्स है वो है 4.6 स्टार्स रेटिंग और 9K रिव्यूज के साथ। फ्रेंड्स, नंबर 4 पे जो इक्वलाइजर ऐप है वो है इक्वलाइजर FX। इसका लोगो कुछ इस टाइप का है और जो इसका इंटरफेस है वो फ्लैट इक्वलाइजर के साथ थोड़ा बहुत रिलेट करता है, लेकिन जो ऑप्शन है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा दी गई है, और जो प्रीसेट्स है वो नंबर में कुछ ज़्यादा है। और इस ऐप के साथ भी 2 थीम्स दी गई है, एक डार्क थीम और एक लाइट थीम। इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले अपना म्यूज़िक प्लेयर ओपन करना होगा, उसके बाद जो भी म्यूज़िक आप प्ले करना चाहते हो वो प्ले कर दे, उसके बाद ये ओपन कर दे। ओपन करने के बाद जो सबसे टॉप राइट कॉर्नर पे जो बटन आपको नज़र आ ये इसे आप ऑन कर दे। ऑन करने पर जो इफेक्ट्स है वो म्यूजिक में अप्लाई होंगे। इसे आप बगैर हेडफोन्स या स्पीकर के भी यूज कर सकते हैं, और ये इसका रिजल्ट जो है ये पहले उससे काफी अच्छा है। इसका जो साइज है वो है 1.9 MB, और इसके गूगल प्ले स्टोर पे 1 मिलियन+ डाउनलोड है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.1 स्टार्स विद 24K रिव्यूज। नंबर 3 पे जो इक्वलाइजर है वो है हेडफोन्स इक्वलाइजर। जैसा कि नाम से पता चलता है ये हेडफोन्स के लिए है। इसका जो इंटरफेस और फंक्शन है वो दूसरे इक्वलाइजर से थोड़ा डिफरेंट है। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले म्यूजिक प्ले करना होगा, उसके बाद इस ऐप को ओपन कर दे। ओपन करने के बाद जो बॉटम राइट कॉर्नर पे जो ऑन ऑफ का बटन नजर आ रहा है उससे आप यूज कर सकते हैं इक्वलाइजर को ऑन ऑफ करने के लिए। इसमें मेनली 9 प्रीसेट्स दी गई है जो दूसरे इक्वलाइजर ऐप में भी आपको मिलती। इधर आप अपना हेडफोन ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के हेडफोन्स। हेडफोन्स ऐड करने के लिए जो ऊपर जो विंडोज नजर आ रहा है इधर ये जो प्लस का निशान है इधर क्लिक कर दे। करने के बाद जो सेटअप है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस मेथड के दौरान आपने हेडफोन्स को अपने कानों के करीब नहीं ले जाना है। अब आप अपने हेडफोन से उनको फोन के माइक के करीब ले जाए। करीब में ले जाकर ये जो मेथड है और प्रोसेस है उसे पूरा होने दे। प्रोसेस पूरा होने पर नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट करने के बाद ये जो एडिशनल इन्फो विंडो से इधर आप अपना हेडफोन का जो ब्रांड है, मॉडल और टाइप जो भी है इंटर कर दे, और वायरलेस या वायर्ड है वो भी इंटर कर दे। करने के बाद इसके बाद हमने हेडफोन्स को सेव कर दे। अब आपका जो हेडफोन है वो सेव हो चुका है। आप इस तरह दूसरे हेडफोन्स भी इधर ऐड कर सकते हैं। ऊपर जो विंडोज है इधर आप क्लिक करके अपने हेडफोन यूज कर सकते हैं। इस ऐप का एक प्रीमियम वर्जन भी अवेलेबल है जो फुल फीचर्स के साथ आता है। अगर आपको पूरी फीचर्स यूज करनी है तो आपको प्रीमियम ऐप खरीदना होगा, आप खरीद सकते हैं। इसके साथ कोई थीम्स नहीं दी गई है, लेकिन UI कलर चेंज करने का ऑप्शन सेटिंग्स पर मौजूद है। इसका जो एक ऑप्शन है जो मुझे पसंद आया वो है शॉपिंग ऑप्शन। इस शॉपिंग ऑप्शन में आप जाके हेडफोन्स या स्मार्टफोन्स को सेल पर खरीद सकते हैं। इस ऐप का जो साइज है वो है 4.3 MB, और इसका गूगल प्ले स्टोर पे जो डाउनलोड है वो 1 मिलियन+ डाउनलोड है, और इसकी जो रेटिंग है वो है 3.8 स्टार विद 17K रिव्यूज। नंबर 2 पर जो ऐप है वो है इक्वलाइजर बेस बूस्ट।
कंप्यूटर। इसका लोगो कुछ इस टाइप का है और इसका जो इंटरफेस है वो थोड़ा रियलिस्टिक टाइप का है। यहाँ पर ऊपर एक इक्वलाइजर का बार दिया गया है और नीचे दो बटन से, एक बटन बेस बूस्ट का है और दूसरा वर्चुअलाइजर का। और यहाँ पर एक अलग ही विंडोज दिया गया है वॉल्यूम नाम का, जहाँ पर वॉल्यूम बूस्ट करने के डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इस ऐप की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसके प्रीसेट्स। इस ऐप में सबसे ज्यादा प्रीसेट्स दिए गए हैं। इस ऐप में 22 प्रीसेट्स मौजूद है और इस ऐप में आप बॉटम में देख सकते हैं एक म्यूजिक बार का ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ से आप कोई सा भी म्यूजिक प्ले कर सकते हैं जो आपके फोन में सेव हो। और इस ऐप की जो दूसरी सबसे अच्छी बात है वो है इसके थीम्स। इस ऐप में 14 रियलिस्टिक थीम्स दिए गए हैं जो इसको दूसरे ऐप से थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना देते हैं। इस ऐप का जो साइज है वो है 3.5 MB और गूगल प्ले स्टोर पे इसके 1 million प्लस डाउनलोड्स है और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6 स्टार विद ओवर 40K रिव्यू। और नंबर वन पर जो ऐप है उसका नाम है इक्वलाइजर प्रो। ये ऐप भी सेम उसी कंपनी ने बनाया है जिसने इक्वलाइजर बेस बूस्टर को बनाया था। और इन दोनों ऐप्स का जो सिस्टम और फंक्शनैलिटी से दोनों सेम है, बस इस ऐप में कुछ थीम्स ज्यादा है। इसमें 24 थीम्स दिए गए है, वही दूसरे ऐप में 14 थीम्स दिए गए थे। और इसका जो वॉल्यूम विंडो है, इधर ऑडियो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन एक्स्ट्रा अवेलेबल है, बाकी सब कुछ सेम है। और इसका जो फाइल साइज है वो है 3.6 MB और गूगल प्ले स्टोर पे इसके 1 million प्लस डाउनलोड्स है और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.6 स्टार्स विद ओवर 42K रिव्यूज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बोनस ऐप लेके आया हूँ। इस बोनस ऐप का नाम है VLC फॉर एंड्रॉइड। आप में से बहुत सारे यूजर्स ने पहले इसे यूज किया होगा, लेकिन जिसने अभी तक यूज नहीं किया, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार ट्राई जरूर करें। ये एक ऑडियो वीडियो प्लेयर है जिसके अंदर बिल्ट इन इक्वलाइजर पहले से मौजूद है। ये हर फॉर्मेट का ऑडियो वीडियो फाइल्स को सपोर्ट करता है और इसके इक्वलाइजर के अंदर 18 प्रीसेट्स अवेलेबल है। आप इस ऐप को बैकग्राउंड में वीडियोस को प्ले करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन वो फीचर्स हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इस ऐप का जो साइज है वो है 24 MB और गूगल प्ले स्टोर में इसके 100 million प्लस डाउनलोड है और इसकी जो रेटिंग है वो है 4.4 स्टार विद ओवर 1 million रिव्यूज।